All right, a very good evening to all of you. Uh, this is uh, a lecture regarding FEG.

डेप्थ हो वैसे क्वेश्चन करेंगे लेकिन स्टार्ट करने से पहले आई वुड बी लाइक टू आई वुड लाइक टू टेल यू और लाइक टू इन्फॉर्म यू ऑल ऑफ यू दैट जी जीरो पेपर है क्लास ये बी सी एल में जो है दिस इज गोइंग टू कैरी हंड्रेड मार्क्स ये हंड्रेड मार्क्स का पेपर है और ड्यूरेशन आपका थ्री आवर्स का है इस पूरे पेपर में एफ ई जी जीरो टू विच इज योर एक्चुअली फाउंडेशन कोर्स इट इज ए फाउंडेशन कोर्स इन इंग्लिश इस पेपर में एक्चुअल में है क्या पढ़ना क्या है पूरे कोर्स को मैंने सम कर लिया है तो थोड़ा सा पहले आप ब्रीफिंग ले लीजिए समअप कर लेते हैं कि इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट में आपको पढ़ना क्या है फिर क्वेश्चन करेंगे देखिए द फर्स्ट थिंग दैट इन माइंड इस आपको पैराग्राफ्स लिखने को बोलता है पैराग्राफ लिखना आपको आता है लेकिन पैराग्राफ लिखने में यू शुड बी टेकिंग इन टू अकाउंट सर्टन एलिमेंट्स सो so अभी मैं कुछ क्वेश्चन करवाऊंगी जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या एलिमेंट्स होते हैं किन किन एलिमेंट्स का मतलब है किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है यू आर प्रिपेयरिंग ए पैराग्राफ राइट एक गुड पैराग्राफ लिखने के लिए क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं बेसिकली जो एलिमेंट्स होते हैं दैट इज द टॉपिक सेंटेंस देन द डेवलपमेंट ऑफ द टॉपिक एंड देन द कोरेंस ये तीन तरह के एलिमेंट्स होते हैं सो इन एलिमेंट्स और आपको पता होना चाहिए paragraph को अपने कैसे करना है। तो उसके लिए हमारे पास एक आर्ग्यूमेंट होता है एक नैरेटिव होता, होता है और एक डिस्क्रिप्शन होता है तो ये सारी बातें आप लोग कुछ अपनी एक यूनिट पूरा एक ब्लॉक में ही कंप्लीट करते हैं जिसमें आप लोग सिर्फ राइटिंग पैराग्राफ्स करते हैं ठीक है नेक्स्ट थिंग पैराग्राफ लिखने भी बोलता है और पैराग्राफ रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछेगा क्या मैं यहाँ पे हाईलाइट करके बता रही हूं पहला ये कि पैराग्राफ के क्या एलिमेंट्स हैं उनको एक्सप्लेन करने को बोलेगा और पैराग्राफ को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं ठीक है नेक्स्ट थिंग जो आता है एक पूरा ब्लॉक आपका डेडिकेटेड है दैट इज ऑन कॉम्पोजिशन अब ये कॉम्पोजिशन क्या है कॉम्पोजिशन में मतलब आपको कुछ कंपोज कर, कर बताना है कंपोज करने का मतलब मेन मेन जिस्ट आपको इसके अंदर देना होता है द कंप्लीट जस्ट यू हैव टू टेल मी कि आप जो बात बोलना चाह रहे हो उसका मेन मुद्दा क्या है सो द बॉडी ऑफ द कम्पोजिशन डेवलप द मेन आइडियाज मेन आइडिया आप एक्सप्लेन करते हैं इसके अंदर किस तरीके से आप इलेट्रेशन दे सकते हैं आप डिस्क्राइब कर सकते हैं आप डिफाइन कर सकते हैं आप चाहे तो इलाबोरेट भी कर सकते हैं एंड द एंडिंग शुड नॉट बी टू सडन और जब आप एंड करते हैं आपने ध्यान रखना है कि वो एकदम इमीजिएट एंडिंग ना हो फर्स्ट ड्राफ्ट शुड बी रिवाइज आपको पता है कुछ भी लिखने से पहले हम लोग ड्राफ्ट करते हैं तो आप पहले ड्राफ्ट करिए फिर उसको करने का मतलब है अगर उसमें कुछ ग्रामेटिकल हैं कुछ डिक्टेशन मिस्टेक्स हैं कुछ स्टाइल मिस्टेक्स है तो उसको आप ठीक करेंगे ठीक है और नेक्स्ट होता है द टाइप्स ऑफ कॉम्पोजिशन तो कॉम्पोजिशन के ऊपर आपका पूरा एक यूनिट जो है वो डेडिकेटेड है जिसके ऊपर सवाल पूछे जाएंगे राइट नेक्स्ट एक टॉपिक आपका जो पूरा ब्लॉग डेडिकेटेड है दैट इज टू नोट नोट टेकिंग टेकिंग का मतलब क्या है क्लास अगर आपको एक बड़ा सा पैराग्राफ दे दिया जाए अगर आपको बड़ा सा कुछ भी दे दिया जाए और आपको बोला जाए उसमें से आप नोट्स बनाइए तो आप नोट्स कैसे बनाएंगे उसके लिए आपको कुछ टेक्निक्स मालूम होनी चाहिए एक होती है शॉर्टनिंग डिवाइसेस जैसे कि आपने कुछ एब्रीवियशन दे दिए कुछ सिंबल्स दे दिए और एक होता है आप नोट्स बना लीजिए इन द टर्म्स ऑफ हेडिंग्स या फिर कुछ पॉइंट्स बना लीजिए इसको सब सारी बातें हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर भी आपका एक ब्लॉग डेडिकेटेड है नेक्स्ट ब्लॉग जो है वो आपका डेडिकेटेड है टू तो राइटिंग रिपोर्ट्स। अब रिपोर्ट्स आप सब लोग जानते हैं कि रिपोर्ट इवेंट्स क्या होता है तो हमने अपना डिस्कशन स्टार्ट किया है ऑन राइटिंग ऑफ द रिपोर्ट्स बाई टेकिंग अप द रिपोर्टिंग इवेंट्स देखिये रिपोर्ट जब आप लिखते हैं उसमें क्लास काफी बातें होती है एक हो सकता है कि अगर कोई इवेंट कोई घटना घटी है उसको अगर आप रिपोर्ट कर रहे हैं तो उसको बोला जाता है रिपोर्टिंग इवेंट्स सो हेयर बाई टेकिंग द रिपोर्टिंग ऑफ इवेंट्स वी शोड यू दैट देयर हाउ टू रिपोर्ट

प्लेस बताना है और इंफॉर्मेशन भी बतानी है अगर कोई पीपल मरे हैं या इंजर्ड हुए हैं या किसी प्रॉपर्टी को डैमेज हुआ है या कोई एक्सीडेंट का कारण क्या है कॉज क्या है ये सारी बातें आपको बतानी है

उसका एजेंडा क्या था एंड यू हैव टू रिपोर्ट नॉट ओनली द फाइनल डिसीजन लेकिन आपको यह भी बताना है कि उसमें कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी लिए गए हैं कुछ पॉइंट्स आए हैं लाइक सपोजिटली अगर आप बोलते हैं कि हमें फ्लैग होस्ट करना है ऑन रिपब्लिक डे तो लेट्स से फ्लैग होइ करने के डेट में ही कुछ प्रॉब्लम हुआ कोई बच्चा बोलता है यू नो कोई uh, you know, कंपनी का आपका बंदा बोल रहा है कि ट्वेंटी हॉलीडे सो लेट इज जस्ट कीप इट ऑन ट्वेंटी थ्री बिकॉज ऑफ सर्टन रीजन तो वो पॉइंट्स भी आप जब आप रिपोर्ट करते हैं बात को तो आप सारी बातें मैंशन करेंगे आइटम्स ऑफ द बिजनेस कैन बी टेकन अप इन दर्डर ऑफ योर इंपॉर्टेंस ठीक है आपने वैसे आइटम बनाने हैं रिपोर्ट में जैसे फर्स्ट बात आपने लिखी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होनी चाहिए सेकेंड बात उससे थोड़ी कम इंपॉर्टेंट थर्ड बात उससे थोड़ी कम इम्पोर्टेंट लाइक दैट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपने फॉलो करना है ठीक है स्टेटमेंट्स ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्टिसिपेंट्स, इम्पोर्टेंट पार्टिसिपेंट्स कोट करना है कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं, टेबल यूज हुए यूज़ हुए, chart use हुए तो जहां जरूरी है वहाँ पर आपने बताना है कब जब मैं मीटिंग की बात कर रही हूँ लेकिन कभी अगर आप स्पीच कोई किसी ने स्पीच बोली एंड लेटर ऑन यूर रिपोर्टिंग मान लीजिए एक रिपोर्टर है वो किसी की स्पीच को रिपोर्ट करेंगे तो उनको ये बात का ध्यान रखना है दट यू शुड हैिव द प्रिसाइस इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पीकर फॉर द स्पीच स्पीच किसने दी किस occasion पर दी वाइर note के बाद आपने अपने नोट को ऑर्गेनाइज किया है यू शुड सिलेक्ट द मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट ऑफ द स्पीच एंड अरेज दियर इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंस ऑर्डर की हिसाब से आपने उसको अरेन्ज करा है या नहीं करा है डायरेक्ट

तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए अभी हम करेंगे कि आपके सिलेबस में रिपोर्टिंग इवेंट्स है रिपोर्टिंग मीटिंग्स एंड रिपोर्टिंग स्पीचेस भी है नेक्स्ट हम लोग करते हैं अगर कोई इंटरव्यू हुआ है तो उसको आपको रिपोर्ट करना है तो इसका हम प्रोसीजर देखेंगे पहले उसका पूरा इट्ठा चिट्ठा लेकर बैठेंगे कि वो क्या करता है उसने आज तक क्या क्या किया है क्या क्या उसने प्लस काम किए क्या क्या नेगेटिव काम किए और आपने एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चन बनाना है उसको पूछने के लिए प्लेजेंट एटमोसफेयर आपने एकदम एब्रप्ट एटमोसफेर नहीं बनाना है प्लेजेंट एटमोसफेयर बनाना है एट द बिगनिंग ऑफ द इंटरव्यू एंड यू शुड आस्क यिफिकल्ट क्वेश्चन वेन द मूड इज रिलैक्सड अपने इन्वायरमेंट देखते देखते अपने हिसाब से क्वेश्चन पूछने अगर एनवायरमेंट ऊपर जा रहा है मतलब अगर सामने वाले को गुस्सा आ रहा है तो आप काम हो जाए यही होता है ना अगर घर में भी झगड़ा हो रहा है लट से हस्बैंड और वाइफ आपकी मम्मी या पापा के बीच में झगड़ा हो रहा है अगर मम्मी झगड़ा कर रही है और पापा भी झगड़ा करने लग गए हैं, तो वो तो तापमान एकदम बढ़ गया उसका कोई हल नहीं है उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है अगर एक इंसान हाई पिच पे है तो दूसरे को थोड़ा सा स्लो डाउन होना ही होना पड़ता है सो यू नीड टू रिलैक्स बट बिफोर यू वाइंड अप यू मस्ट चेक योर नोट्स एंड क्लैरिफाई योर डाउट आपने नोट्स को चेक जरूर करना है डाउट्स को क्लैरिफाई जरूर करना है वेन यू राइट द रिपोर्ट पुट द इम्पोर्टेंट पॉइंट इन द लीडिंग पैराग्राफ जब भी आप रिपोर्ट uh, लिखेंगे तो इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप पैराग्राफ में लिख देंगे आप डायरेक्ट कोटेशन यूज कर सकते हैं यू कैन ऑल्सो एड बायोग्राफिकल डिटेल्स एंड एक्सप्लेनेटरी पैसेजेस एक्सटेंड करना है देखिये रिपोर्ट यूजली लेंदी ही होती है अगर एक्सटेंड करना चाहते हो उस चीज को तो आप करिए लेकिन उसमें जो भी क्रूशियल पॉइंट्स हैं जो भी आप इंटरव्यू लेते हुए लिए हैं वो आपने इंक्लूड करने हैं फिर आप क्या रिपोर्ट कर सकते हैं क्लास आप सर्वे भी रिपोर्ट कर सकते हैं सर्वे में क्या होता है दे में रिटर्न फॉर वेरियस रीजन फॉर एग्जाम्पल टू फाइंड आउट दी ओपिनियंस ऑफ द कंज्यूमर्स सर्वे क्यों होता है अगर आप कोई दुकान कोई कोई भी दुकान का प्रोडक्ट अगर बेच रहे हैं तो आप सामने वाले सर्वे जब ले रहे हैं तो आप कंज्यूमर का ओपिनियन जरूर पूछते हैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में पूछते हैं कि जो रेंज है प्राइस का वो उसको ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है फिर आप स्टडी करते हैं द फिजिबिलिटी ऑफ अ न्यू ब्रांच मान लीजिए उसको पसंद नहीं आ रहा तो आप कोई नई जगह पर रूट आउट कर सकते हैं सो यू हैव टू नो द स्कोप ऑफ योर सर्वे अपने सर्वे का स्कोप पता होना चाहिए एंड द टाइप्स ऑफ इनफर्मैंस यू विल हो सकती है, लेना है ले बहुत तरह के क्वेश्चन बना दिए उन सबके अंदर कुछ एमसीक्यू टाइप के है ए बी सी और डी चार ऑप्शन है तो कंज्यूमर को उस पर टिक करना थोड़ा इजी लगता है उस हिसाब से आप बना सकते हैं और यू कैन कंसल्ट दफिशियल रिकॉर्ड और यू कैन विजिट टू दी लाइब्रेरीज एक लॉन्ग सर्वे रिपोर्ट जो होता है इट यूजुअली हैज द फ्रंट मैटर उसके अंदर टाइटल पेज होता है प्रीफेस होता है टेबल ऑफ कंटेंट्स है समरी है इलस्ट्रेशन है बॉडी के अंदर आप इंट्रोडक्शन डिस्कशन कंक्लूजन रिकमेंडेशन दे सकते हैं और बैक मैटर के अंदर आप भिब्लियोग्राफी रेफरेंसेस अपेंडिस या फिर ग्लोसरी दे सकते हैं ठीक है और एक शॉर्ट सर्वे रिपोर्ट जो होता है उसके अंदर आप इंफॉर्मेशन देते हैं कि आपने क्या कलेक्ट किया क्या डेटा आपने बेचा और आपने क्या क्या फाइंडिंग्स करी क्या कंसल्ट कंक्लूजन आपकी निकलती है और अगर आपने कुछ रिकमेंड करना है राइट एंड द लास्ट थिंग दैट यू कैन यू नो रिपोर्ट एंड एक्सपेरिमेंट किसी ने कोई एक्सपेरिमेंट किया है अगर आप उसको भी रिपोर्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं कैसे करेंगे कि आप ये बताएं यू कैन टेल मी यू कैन टेल अस कि क्या आपने एक्सपेरिमेंट की प्लानिंग करी थी फिर आपने जो अपरेटर्स एक्सपेरिमेंट करने के लिए अपरेटर्स का मतलब है जो सामान चाहिए जो भी चीजें चाहिए उसको कैसे अरेंज किया था देन हैव यू ऑब्जर्व वॉट हैपन्स ड्यूरिंग दी एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट के बीच में क्या क्या हुआ है क्या आपने वो ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड किया है एंड देन यू कैन राइट द रिपोर्ट रिपोर्ट के अंदर क्या होगा कि आपके एक्सपेरिमेंट का एम क्या था आपके ऑपरेटर्स की डिटेल्स क्या थी आपने क्या प्रोसीजर लिया आपके क्या ऑब्जर्वेशन है कुछ कंक्लूजन और ड्राइंग ड्राइग, डायग्राम्स या फिर ग्राफ्स अगर आपने बनाने हैं ड्यूरिंग योर एक्सपेरिमेंट्स और फाइंडिंग्स को तो आप इंक्लूड कर सकते हैं तो क्या समझा क्लास हमने रिपोर्ट्स जब आप लिखते हैं तो रिपोर्ट्स के कितने फर्दर टाइप्स होगा कैन यू सी फर्स्ट यू आर रिपोर्टिंग एन इवेंट दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ रिपोर्ट सेकेंड आपके पेपर में आ सकता है अगर आपको कोई मीटिंग या स्पीच देना है दिस इज योर सेकेंड टाइप ऑफ रिपोर्ट देन अगर आप एक इंटरव्यू को रिपोर्ट कर रहे हैं थर्ड टाइप ऑफ रिपोर्ट अगर आप सर्वे को रिपोर्ट कर रहे हैं फोर्थ टाइप ऑफ रिपोर्ट से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है आ एक ही सकता है लेकिन आपको ये सारे तरह के क्वेश्चन आने चाहिए जो मैं आपको पिछले सेशन में करवा भी चुकी हूँ, मैं लेटर ऑन उस पर आऊंगी भी ओके okay? अभी मैं सिर्फ आपको जिस्ट बता रही हूँ, आपका जो पूरा एफी है उसमें क्या क्या चीजें हैं दे द लास्ट थिंग दैट इज राइटिंग समरीज आपको समरी दे सकता है हमारे कितने ब्लॉग्स हो गए थे uh, तो पांच चीजें तो क्लास आपको एफी जीरो टू में करनी ही करनी पड़ेगी अगर आपको कोई समरी लिखना है समरी का मतलब आपको अगर पैसेज दे दिया गया है उस पैसेज में असेंशियल इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछ रहा है तो आप उसको बोलते हैं समरी

शॉर्ट आंसर शॉर्ट आंसर पूछा जाएगा आपको बोला जाएगा एनी फाइव ऑफ द फॉलोइंग आपने करना है सो द फर्स्ट टॉपिक इज वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाय टॉपिक सेंटेंस क्लास टॉपिक सेंटेंस क्या होता है देखिए टॉपिक सेंटेंस आपका इन्वॉल्व होता है जब आप एक पैराग्राफ लिखते हैं मैंने आपको बताया है अभी टॉप में ही बताया है, मैं दोबारा से बार बार लिंक करके बताऊंगी जब भी आप पैराग्राफ लिखते हैं आपको तीन एलिमेंट्स का ध्यान रखना सो दिस इज वन ऑफ द एलिमेंट्स क्या क्या एलिमेंट एक है टॉपिक सेंटेंस एक है डेवलपमेंट ऑफ द टॉपिक और तीसरा है कोहिरेंस तीनों ही सवाल इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं पेपर में पूछे गए भी आई विल बी डिस्कसिंग सो व्हाट इज टॉपिक सेंटेंस क्लास आपने अपने का उसके अंदर बताना बताना है, आप में क्या बताना चाह रहे हैं, आपका पैराग्राफ किस बारे में है इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंटेंस इन पैराग्राफ ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ही क्यों क्योंकि पैराग्राफ किस बारे में है उसको बोला जाता है टॉपिक सेंटेंस

चाहते हैं सो इट गाइड्स द द द आइडियाज दैट प्रोवाइड सपोर्ट फॉर पैराग्राफ पैराग्राफ एंड इट लिमिट्स स्कोप ऑफ बोलना क्या चाहते हैं का मतलब है अगर आप एक पैराग्राफ लिखे जा रहे हैं हंड्रेड लाइन्स का लिख रहे हैं और आप एपसर्ड बातें कर रहे हैं और उसका टॉपिक कुछ और ही है या फिर आप एक ही टॉपिक के बारे में गोल 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 घूमे जा रहे हैं तो आप थोड़ा सा कंसाइज हो जाइए थोड़ा सा छोटा लिखिए उसके लिए आपको हेल्प करता है द कंट्रोलिंग आइडिया

विच टिकली विल सेट दैरामीटर्स फॉर डिस्कशन ऑफ द टॉपिक जिससे ऑटोमेटिकली बात बढ़ती जाएगी और अब पैराग्राफ लिखते जाएंगे या तो ये तरीका है सेकेंड तरीका क्या हो सकता है दैट द कंट्रोलिंग आइडिया प्रोवाइड द स्पेसिफिक लिमिटेशन

सॉरी फोर मार्क्स का क्वेश्चन है तो इतनी बातें आपको लिखनी पड़ेंगी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लास राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एक्सपोजिटरी कॉम्पोजिशन मैंने बोला एक क्वेश्चन आपको पैराग्राफ से पूछेगा एक क्वेश्चन आपको कॉम्पोजिशन से पूछेगा तो कॉम्पोजिशन में मैंने आपको बोला था टाइप्स ऑफ कॉम्पोजिशन होते हैं मैं सारा इसी क्वेश्चन में आपको कवर कर लूंगी ठीक है तो पहले तो समझ लेते हैं कि एक्सपोजिटरी कॉम्पोजिशन क्या है क्लास, एक्सपोजिटरी राइटिंग इज अ स्टाइल ऑफ कंपोजिशन दैट एक्सपोजेस और एक्सप्लेन्स अ टॉपिक यूजिंग फैक्ट्स एक्सपोजिटरी का मतलब है आंखों देखी घटना को अगर आप कुछ बताना चाह रहे हैं कंपोज करना चाह रहे हैं कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स बताना चाह रहे हैं तो उसको बोला जाता है एक्सपोजिटरी कंपोजिशन

आप कंक्लूजन भी खुद से ले सकते हैं क्यों क्योंकि तो आपको दिख रहा है ये ये फैक्ट हुए हैं राइट वाइल राइटिंग एंड एक्सपोजिटरी स्टाइल इट इज ऑफ इंपॉर्टेंट टू अज्यूम द रीडर हैज मिनिमल और नो नॉलेज ऑफ द टॉपिक मान लीजिए आपने देखा कोई फैक्ट ऐसा हुआ मान लीजिए अगर आप बोल रहे हैं अब आप जानते हैं कि इसमें तो ये हुआ है दिस इज अ फैक्चुअल थिंग आप जब बताना चाह रहे हैं तो आप ये अज्यूम करके चलेंगे कि सामने वाले को इस बारे में कुछ नहीं पता तो पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि ये इक्वेशन कैसे आई नाउ दिस इज समथिंग नोन एज आइंस्टाइन इक्वेशन

विदाउट इंकरेजिंग द रीडर टू फील अटन वे और चूज असिट्री राइटिंग आप एग्जाम्पल दे सकते हैं इसके लाइक इन एस ए या फिर न्यूज पेपर या फिर मैगजीन राइटिंग या फिर इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स या फिर इंसाइक्लोपीडिया अदरवाइज स्कूल टेक्सट बुक्स ये सारी वो एग्जाम्पल्स हैं जिसके अंदर कुछ फैक्ट फिगर्स को डिस्कस किया जाता है तो हम इसको बोल सकते हैं एक्सपोजिट्री कॉम्पोजेशन

On it in the first few lines. For example,

एक और एग्जांपल देखिए हेयर इज अ कोर्ट दैट कुड बी आर्ग्यूड अबाउट एंडलेसली ईस्ट इज वेस्ट एंड वेस्ट इज वेस्ट सपोजिटली आप ऐसे बोल रहे हैं ईस्ट सॉरी ईस्ट इज ईस्ट एंड वेस्ट इज वेस्ट आप बोल रहे हैं कि ईस्ट इज ईस्ट एंड वेस्ट इज वेस्ट ये बात जो है ये गलत है तो एंड नेवर द ट्वेन शैल मीट यानी कि ये दोनों कभी मिलेंगे नहीं आप बोल रहे हो कि ये दोनों मिल सकते हैं तो अगर आप ऐसे कुछ आर्ग्यूमेंटेटिव बातें कर रहे हो जैसे मैंने आपको इक्वेशन वाला एग्जाम्पल दिया जो एक्चुअल में फैक्ट है लेकिन आप डिस्प्रूव कर रहे हो डिस अग्री कर रहे हो उस चीज से देन प्रूव इट देन यू हैव टू प्रूव इट That is an argumentative composition. एक और तरह का composition होता है class. That is a narrative composition. Narrative जैसे नाम से समझ में आ रहा है कोई कहानी सुनाना रात में देखे है, सो रहा है आप सो रहे हो कोई सपना देखा है, आप नरेट कर रहे हो वही नरेटिव चीजें अगर आप सुनाने की जगह लिख रहे हो तो उसको क्या बोलोगे नरेटिव कॉम्पोजिशन वेरी इजी या फिर कोई इवेंट हुआ है या कोई इंसिडेंट हुआ है सो इट इज अट स्टोरी विद इन द स्कोप ऑफ सच राइटिंग क्रोनोलॉजी इसमें क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है इन विच द इवेंट्स टेक प्लेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन सच राइटिंग पहले ये हुआ मम्मी मैं पहले सपने में एक कमरे में गया वहां पर मैंने एक कंप्यूटर देखा वहां पर मैंने कुछ और देखा वहां पर मैंने एक छिकली देखी वहां पर एक एक शॉकिंग कुछ हो गया समथिंग लाइक दैट तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप जाते हैं इसके अंदर एक ऑर्डर में ही आप प्रसिड करते हैं और एक फोर्थ तरह का कॉम्पोजिशन होता है क्लास उसको बोला जाता है डिस्क्रिप्टिव कॉम्पोजिशन ये क्या होता है डिस्क्रिप्टिव कॉम्पोजिशन यहाँ पर द राइटर विशेष टू प्रेजेंट अ पिक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट सीन

Over some unattractive stones, the sun crashing on their backs, and so on. The small black hole gap where their varied forms and colors had momentarily functioned. So, you described When you describe describing, this is a descriptive composition. Right? Next question. डिस्कस दिए इंडक्टिव मेथड भी क्लास पैराग्राफ राइटिंग में इन्वॉल्व होता है ये इंडक्टिव मेथड का मतलब क्या है इट बिगिन जनरली एंड एंड मोर स्पेसिफिकली विद अ पॉइंट इंडक्टिव पैराग्राफ्स क्लास ऐसे होते हैं जो स्टार्ट भी होते हैं और एंड भी करते हैं सिर्फ पॉइंट के बारे में बात करके टॉपिक के बारे में बात करके और आइडिया के बारे में बात करके There are a few reasons someone might write an inductive sentence. In an introduction, when a reader needs to be drawn into your topic before learning what your point is about and what the topic is going to be, the second reason someone might write an inductive paragraph is that if they believe, the reader might disagree with their point. If you believe, disagree point. therefore they may begin with the 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 number of facts to persuade the reader to to persuade reader reader logically lead the reader to the writer's क्लूजन तो इंडक्टिव का मतलब अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बोलूं तो ये है अगर मैं आपको अपनी बातों में घुमा कर लेकर आ रही हूं अगर मैं चाहती हूं अगर मेरा व्यू है लाइक like, से मैं बोलती हूँ ईस्ट इज वेस्ट और आप बोलते हो नो मैम ईस्ट इज ईस्ट लेकिन मैं आपको इंडक्टिव पैराग्राफ लेकर खींच कर बोलने में मजबूर कर दे रही हूँ मैं बोल रही हूँ कि आप अपना आइडिया चेंज कर लीजिए और आप भी बोलिए ईस्ट इज बेस्ट और अगर आपने बोल दिया सो दैट मीन्स आई एम ड्रॉइंग योर अटेंशन योर आइडियाज टूवर्ड्स माई आइडियाज तो इस तरह की राइटिंग को बोला जाता है क्लास इंडक्टिव पैराग्राफ्स The other major situation in which a writer might want to use an inductive paragraph form would be to introduce an argument or idea that they are arguing against. That idea must be introduced before arguing against it or eventually leading to the writer's point. So, using an inductive paragraph is a rhetoric choice based upon the needs and the relationship of the reader to the writer. Questions writer might ask themselves while deciding whether to use an inductive paragraph is how much does my reader know about the topic? Does my reader know what I am going to write about? Is the reader likely to agree with what I have to say? अब जैसे हमें लेक्चर बनाना है हमें बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी कि प्लीज़ बनाइए बनाइए क्योंकि हमारा एग्जाम है एंड वी ट्रस्ट यू पीपल तो यू पीपल आर रिसर्च निकालते हैं तो इसको बोला जाता है ढूंढ रहे हैं आप क्या चाहते हैं फिर आप लोग जैसे चाह रहे हैं वैसे अगर हम लोग लेक्चर बना दें, happy, तो हमें उतने likes, comments, भी करेंगे आप लोग जो कि आपसे एक्सपेक्टेड है

इसी को बोलते हैं इंडक्टिव अप्रोच लेकिन क्लास यहीं पर मैं बता देती हूं अगर इंडक्टिव अप्रोच पूछा है तो आपसे फिर एक और चीज पूछ सकता है दैट इज अ डिडक्टिव अप्रोच तो ये क्या होता है ये भी मैं यहीं पर डिस्कस कर ले रही हूं

तो उसको हम बोलते हैं डिडक्टिव अप्रोच जैसे बोला गया e is square, तो वो कैसे आया फिर अब उसकी बात को जब खुरेद रहे हैं तो उसको बोला जाता है डिडक्टिव अप्रोच सो सी क्लास इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोचेस टू रिसर्च कैन बी एम्प्लॉयड टूगेदर आप एक साथ भी इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोचेस लगा सकते हैं कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए कि टॉपिक किस बारे में है और रिसर्चर क्या पढ़ रहा है दो रिसर्चर्स डोंट ऑलवेज सेट आउट बोथ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव कभी-कभी आप देखेंगे सिर्फ इंडक्टिव होगा कभी कभी डिडक्टिव दोनों यूज नहीं किया जाता है तो आप थोड़े इंडक्टिव अप्रोचेस देख लेते हैं और उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं सी इन एन इंडक्टिव अप्रोच द रिसर्चर बिगेन्स विदेक्टिंग द डेटा वो डेटा को कलेक्ट करता है दैट इज रिलिवेंट टू हिस्स

उसको डेवलप करेगा और पैटर्न को एक्सप्लेन करेगा इन फॉर्म ऑफ़ प्रपोजिशन बीसीए के फर्दर आप पेपर में पढ़ेंगे भी ठीक है तो uh, the अपने डेटा को गैदर करेंगे ठीक है आपको स्पेसिफिक आप ये भी बोल सकते हैं आप स्पेशलाइजेशन से देखिए जनरल लेवल ऑफ फोकस जनरलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं और डिडक्टिव में उल्टा होगा डिडक्टिव में जनरल से आप स्पेशलाइजेशन में जाएंगे ठीक है तो आपने सबसे पहले डेटा को गैदर करा उसके अंदर पैटर्न देखे उसको एनालिसिस करा फिर आपने अपनी थ्योरी को दिखा दिया लेकिन डिडक्टिव अप्रोच में क्या होता है देखिए जनरलाइज से आप स्पेसिफिक में जा रहे हैं दिस इज दी जनरल अप्रोच टू स्पेसिफिक अप्रोच समझ में आ रही है बात अगर मान लीजिए आप बोल रहे हैं मारुति सुजुकी सिर्फ मारुति सुजुकी बारे में बात कर रहे हैं उसके फिर इंजिन के बारे में बात किया उसमें क्या क्या मॉडल वगैरह लगा फिर आपने उसको जनरलाइज कर लिया कि हाँ भाई मारुति जो है ये कौन सी ये, दिस बिलोंग्स टू समथिंग नोन एज कार्स से तो कार इज ए जनरलाइज पार्ट जब आप मारुति सुजुकी से कार की तरफ जा रहे हैं तो आपकी अप्रोच हो गई इंडक्टिव लेकिन मान लीजिए अगर आप जनरल लाइक लेट्स से कार कार में आप सारे फीचर्स को एनालाइज कर करके लेट्स से अगर आप मारुति सुजुकी के पास जा रहे हैं इस पर्टिकुलर कार को आप पसंद कर रहे हैं सो दैट इज अ स्पेसिफिक एग्जाम्पल तो जनरलाइजेशन से स्पेशलाइजेशन इज डिडक्टिव एंड स्पेशलाइजेशन से जनरलाइजेशन इज योर इंडक्टिव अप्रोच योच राइटिंग अ पैराग्राफ ओके समझ में आ गई बात नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्लास डिफाइन द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस जब आप पैराग्राफ लिखते हैं मैं बार बार बोल रही हूँ आपको एक सीक्वेंस को फॉलो करना है ये क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस क्या होता है दिस इज बींग क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस क्या है देखिए क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस का मतलब है कि कोई लॉजिकल ऑर्डर है नाउ दिस इज द डिग्री टू विच टू अनदर एक चीज आप कुछ बात बोल रहे हैं उससे आप कैसे अपने फ्लो को दूसरी बात में लेके जाएंगे फिर कैसे आप तीसरी बात में लेके जाएंगे इसको हम बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ये एक्चुअली तीन तरह के होते हैं वन इज अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वन इज अ स्पेशियल ऑर्डर एंड अनदर इज एन एम्फेटिक ऑर्डर तो अगर इस पूछ सकता है या फिर, भी पूछ है, या फिर पूछ सकता है, तो मैं तीनों आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्लास द इनफॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज इन टाइम ये टाइम में ऑर्गेनाइज होता है राइटर स्टेट वॉट हैपन फर्स्ट पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ और लास्ट में क्या हुआ इसको बोला जाता है क्रोनोलॉजिकली बात करना जैसे कि मैं आपको नरेटिव राइटिंग में बोल रही थी एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं थोड़ा अच्छा लगेगा हमें पढ़ने में

When I looked around the airport, I realized I could not even tell where to go because I could not understand any of the signs which are signed. When I finally got through customs, I took a huge bus to downtown airport. On the way, I saw many soldiers carrying rifles and it made me nervous. When the bus finally arrived at the downtown airport, I had to look for a taxi.

I I would be staying. The driver looked angry and I became uneasy again. An hour later, we arrived at the convent. The driver took my bags to the door and knocked loudly, but no one answered. He said something to me in Japanese, which of course I didn't understand. Then he pointed to a telephone nearby and to my purse. I opened it and gave him some money.

फिर फाइनली क्या हुआ फिर एक घंटे बाद क्या हुआ फिर देन फिर अ मोमेंट्स लेटर एंड देन आई वाज हैप्पी तो इस तरीके से हम इस तरह की चीजों को बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो आपका कहां पर फॉलो होता है क्लास पैराग्राफ राइटिंग में

यहां से है एग्जांपल। द इन साइड ऑफ बिल्स रेफ्रिजरेटर वॉज हॉरेबल जब मैंने बिल का रेफ्रिजरेटर खोला फ्रिज खोला तो वो बहुत बुरा था ऑन द टॉप शेल्फ मैं अंडरलाइन कर रही हूं फिर से ऑन द टॉप शेल्फ वॉज अ थ्री वीक ओल्ड कार्टन ऑफ मिल्क Next to it sat a slice of melon that had started to get moldy. To the right of the melon sat the remains of macaroni and the cheese dinner that had been served a week later. On the shelf below was a slice of the cake from his sister's birthday party. Though there was food, none of it was edible. So, above paragraph is ordered specially. Okay, left to right, top shelf, etc, etc. Et so, this is a special organization of a paragraph. And the last, that is the emphatic order. Emphatic order is the concept of importance.

The framing was imprecise and the focus was not always accurate. I had planned a vacation to an area that promised many fabulous photo opportunities, and I wanted to capture each one with accuracy. But the most important reason I decided on an SLR camera was the great versatility of ki me SLR camera. So in the above paragraph, the organization from least important to most important is me. ठीक है फिर coherence जो होता है paragraph के अंदर ये क्या होता है है बहुत का मतलब है आपका पैराग्राफ क्रोनोलॉजिकल भी हो सकता है स्पेशियल भी हो सकता है इम्फेटिक भी हो सकता है लेकिन इट टू बी स्पेसिफिक ठीक है

कॉज इफेक्ट भी हो सकता है कंपैरिजन कॉन्ट्रास्ट भी हो सकता है या फिर इनेमरेेशन सीक्वेंस भी हो सकता है सो द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन एनी ऑफ द फोर ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न्स अबव मस्ट बी ऑर्डरड क्रोनोलॉजिकली स्पेशली और इमफेटिकली दिस ऑर्डर अलाउज़ द रीडर्स टू मूव मोर लॉजिकली थ्रू द मटेरियल प्रेजेंटेड फॉर एग्जांपल अगर मैं इनेमरेटिव लेती इसका मतलब ये है, अगर, आपके पैराग्राफ तीन पैराग्राफ में डिवाइडेड है एक दूसरे से तीनों का लिंक होगा तो इस तरह की पूरी चीजों को हम लोग बोल सकते हैं कोहेरेंस जिसमें आपस में अच्छा साउंड का मतलब होता है इट शुड बी टाइटली यू नो रिलेटेड कोहेरेंस का मतलब अगर आप बोलेंगे तो मैं इसको ये बोल सकती हूँ तो पैराग्राफ में मालूम ही नहीं होती है ये एग्जाम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन दायोग्राफिकल राइटिंग देखिए क्लास बायोग्राफिकल राइटिंग आप रिपोर्ट या रिसर्च राइटिंग में लिखते हैं बायोग्राफिकल का मतलब क्या है इट इज ए स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ राइटिंग और रिसर्च दैट टेक्स एज इट सब्जेक्ट

जीता कुछ हारा ट्रम्स जीतना ट्रुम्स जीतना ट्रम हारा सब कुछ आप पूरा इंक्वायरी की तरह आप ढूंढ लेते हैं उसको बोला जाता है बायोग्राफिकल राइटिंग वाइल इट सिट्स विद इन हिस्टोरिकल और सोशल कंटेक्स इट इज सीकिंग टू एक्सप्लेन द इंडिविजुअल एजेंसी एज अपोज टू और समटाइम्स इन द फेस ऑफ हिस्टोरिकल और सोशल

इंडिविजुअल्स एक्शन चॉइसेस मोटिवेशन या फिर उसने क्या फेल करा है यानी कहने का मतलब है मान लीजिए अगर मैं बोल रही हूँ कि आप अक्षय कुमार के बारे में एक बायोग्राफी लिखिए तो अक्षय कुमार कौन है उसने क्या क्या जीता क्या हासिल किया क्या हारा वो क्या कर रहा है अभी रिसेंटली एटसेट्रा एटसेट्रा उसके पर्सनालिटी उसके प्रोग्रेस के बारे में आप इसके अंदर लिख सकते हैं ठीक है दैट इज ऑल अबाउट बायोग्राफिकल राइटिंग

Arguments भी क्लास अगर आप करेंगे तो आर्ग्यूमेंट्स भी जो होते हैं देखिए इसकी कुछ techniques होते हैं पहला ये होता है कि आप उसको define फिर वो कैजुअल है कि नहीं फिर उसको प्रपोज करिए निगेटिव है ये रिब्यूटल है ये सब टेक्निक्स क्या होते हैं एक बार सुन लीजिए कैजुअल आर्ग्यूमेंट्स का मतलब है यू आर्ग्यू दैट समथिंग दैट को कॉज करा आपको डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं किया फिर भी आप उसके बारे में झगड़ा कर रहे हो आर्ग्यूमेंट कर रहे हो उसको बोलते हैं कैजुअल आर्ग्यूमेंट्स फॉर एग्जांपल यू माइट एक्सप्लोर द द ऑफ डिक्लाइन ऑफ लार्ज मैमल्स इन द दर्ल्ड ओशन और मेक अ अ कॉज मेक केस ऑफ फॉर योर ओन कॉज तो आपको कॉज नहीं किया मैमल्स को कॉज किया लेकिन आप जानना चाहते हैं उसके बारे में सो यू आर हैविंग सम कैजुअल दैट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स सेकेंड इज एन एवेलुएशन आर्ग्यूमेंट्स इवेल्युएशन आर्ग्यूमेंट्स में क्या होता है जब आप इवेल्युएट कर रहे हो कि कोई चीज गुड है या बैड है बट यू नीड टू इस्ट क्राइटेरिया फॉर गुड और बैड लेकिन क्या चीज गुड होनी चाहिए क्या चीज बैड होनी चाहिए उसके बारे में आप क्राइटेरिया बता रहे हैं एग्जाम्पल देख लीजिए यू माइट इवेल्यूएट अ चिल्ड्रंस बुक फॉर यूर एजुकेशन क्लास बट यू वुड नीड टू इस्टैब्लिश द क्लियर क्राइटेरिया फॉर योर इवेल्यूएशन फॉर योर ऑडियंस की ऑडियंस कैसी है

नेक्स्ट होता है इस तरह के में आप अपना केस बताते हैं बाई टेलिंग अ स्टोरी विद क्लियर पॉइंट रिलेटेड टू योर आर्ग्यूमेंट फॉर एग्जाम्पल यू माइट राइट राइटिव अबाउट योर एक्सपीरियंस विद टेस्टिंग इन ऑर्डर टू मेक अ केस फॉर रिफॉर्म देन में आप अपना केस बना रहे हैं अबाउट रिफ्यूटिंग एन आइडिया और पहले आर्ग... आपके कुछ आइडियाज आए हैं उसके बारे में आप बात कर रहे हैं

आपनेशन एज स्टार्टिंग मेकिंग योर केस अपना केस बताने के लिए आप स्टार्टिंग पॉइंट देते हैं फॉर एग्जाम्पल इन द डेफिनेशन आर्ग्यूमेंट यू माइट आर्ग्यू दैट एनसी बास्केटबॉल प्लेयर्स शुड बी डिफाइंड एज प्रोफेशनल प्लेयर्स एंड दे पेड क्योंकि वो प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं उनको पैसे दे देने चाहिए तो इफ यू आर डिफाइनिंग समथिंग देन दैट इज नोन एज डेफिनेशन आर्ग्यूमेंट्स ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी तो इस तरीके का क्लास आपको सेक्शन वन आएगा जिसके अंदर मैंने क्या करवाया है आपको कुछ क्वेश्चन होंगे लगभग सेवन क्वेश्चन थे मैंने सेवन के सेवन क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं और इसमें आपको कोई फाइव क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं एंड ईच क्वेश्चन कैरीज फोर मार्क्स दैट इज ऑफ सेक्शन ए नेक्स्ट लेट्स प्रोसीड टू सेक्शन 2 सेक्शन टू में किस तरह के सवाल पूछेगा सेक्शन टू में आपको मीडियम आंसर्स लिखने हैं यानी कि ये जो है ये आपके आपको फिर से फाइव क्वेश्चंस करने हैं ये टेन मार्क्स का होगा यानी कि अगर आप फोर मार्क्स का बोल रहे हैं तो ये वाला अगर आपका वन पेज का जा रहा है तो टेन मार्क्स में आप कंसिडर कर लीजिए इसमें आप टू पेजेस लिख सकते हैं ठीक है तो इसको भी एक बार देख लेते हैं वही सब क्वेश्चन आपको थोड़ा ज्यादा डिस्क्राइब करने को बोल रहा है जैसे कि आपको बोल रहा है एक क्वेश्चन आया हुआ है इज एंड एक्सप्लेन विद एक यस, yes. जैसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज अरेटिव कॉम्पोजिशन अभी आपने सुना है नरेटिव कॉम्पोजिशन क्या है उसको एग्जांपल्स देकर बताइए सो द डेफिनेशन ऑफ़ इज द पीस ऑफ राइटिंग दैट टेल्स यू अ स्टोरी जो आपको एक स्टोरी बताए एंड इट इज वन ऑफ द फोर क्लासिकल मोड्स और द वेज दैट राइटर्स टू प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इसके अंदर एक एक्सपोजिशन भी हो सकता है इज एक्चुअली एनालाइजिंग द भी हो सकता है जिसमें आप एक पर्टिकुलर पॉइंट में आर्ग्यू पॉइंट कर रहे हैं या फिर डिस्क्रिप्शन भी हो सकता है अगर आपने कोई विजुअल एक्सपीरियंस लिया है उसको आप डिस्क्राइब कर रहे हैं ठीक है तो इसके जो मेन पॉइंट है की टेक अवेज वो क्या है अनरेटिव इज अ फॉर्म ऑफ राइटिंग दैट दी

ठीक है कौन-कौन से मैं दोबारा बोल रही हूं प्लॉट सेटिंग कैरेक्टर कॉन्फ्लिक्ट एंड थीम राइट जैसे कि आप एक क्वेश्चन देखिए मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दे रही हूँ फॉर एग्जांपल आपको देना भी है ना एग्जांपल तो आपको क्वेश्चन भी खुद से डिजाइन करना है और आंसर भी देना है समझ रहे हो बात को तो आप कोई सा भी क्वेश्चन ले लीजिएगा लाइक राइट अ कंपोजिशन ऑन द फॉलोइंग लाइक स्कूल डेज आर द Happiest Days of our lives. Express your views either for or against the statement. Like this type of question is there. Right. So for the statement, for the statement, statement bowling to kya bowling school days are the happiest days of our lives. One of the luckiest things to have is a happy childhood, and the school is an unforgettable part of our happy childhood, isn't it? There is something about childhood that no other phase of your life can replace. I believe school days are the happiest days of our lives because we are protected. We are loved unconditionally and we are free from worldly responsibilities. School days were the best for as your mom allowed you five extra minutes in the bed every second day. It was nice to be a school goer, goer as one as only had to race with your friends. And if you were late to just a second, I need to charge the pencil also and. If you were late to the school, you could blame your school bus, or your mother who served your breakfast late, or your dog who chewed off your shoe, or your friend who pushed you in in the into a puddle just for fun. Your parents watched over you, and you. And when they didn't, uh, you were looked after by your teachers and other siblings, and even the the nosy uh, neighbors and the scary watchman. कितने लोग होते थे जो आपके साथ इन्वॉल्व रहते थे स्कूल डेज में जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं मैंने भी नोटिस किया हम लोग अकेले होते जाते हैं जितने कन्फाइंड हम लोग बड़े होके हो जाते हैं उतने कन्फाइंड हम लोग बचपन में नहीं होते हैं. so school days were better than today because no matter how many window panes we broke or tires we punctured we were loved and showered with affection by our parents our older siblings often fought for us even if we were wrong our grandparents pampered us spoiled in the vacations with grandma cooking delicious meals and grandpa taking us to adventure trips in the woods no matter how bad a student we may

we were untouched by stress, hamalukko stress or struggle, the hota inita of being responsible for one's actions all the time. in conclusion, i reiterate that school days are the happiest days of our lives because we are protected. We are loved unconditionally and we are free from worldly responsibilities. At the end of a day in a school, our feet were dirty, hair was messy, but our eyes were sparkling with the wish to have another wonderful day at school tomorrow. And what about against the statement? School days are the happiest day of our lives. From some school go goers, the sun is always shining, the people around are always nice. But for some school goers, school is not the happiest memory of their childhood. Kuch ke liye, happiest memory school jana nahi bhi hota hai. It is full of peer pressure, lack of confidence, being bullied at school. Every deficit that you have is mocked at by your classmates. You are always supposed to fit in. In if you want to belong to a group. If your classmate got a new school bag with a photo of the latest superhero, you need that bag because otherwise you don't fit in. If the pink colored flowery stationery pouches are trendy, you might you must have them, or you will feel out of the place when you are doing group studies at your friend's place. If your friends use expensive gadgets, they influence you to

Teacher for loud reading in front of the whole class. You pray that you don't have to participate in any elocution competitions. You are miserably nervous on the day your friend doesn't come to school because then you have to travel alone and face people. School is the worst for the people who don't have high confidence levels. The most miserable part of the school life is being bullied by classmates, stronger and outgoing than for you. एंड सो ऑन आई थिंक दिस यू पीपल कैन अंडरस्टैंड तो इस तरीके से फॉर द मोशन एंड अगेंस्ट मोशन भी हम लोग कॉम्पोजिशन लिख सकते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें आपको एक्सप्लेन करना होगा दैट इज वट इज अ रिपोर्ट वट आर द स्टेजेस इन्वॉल्व इन राइटिंग अ रिपोर्ट और एक और क्वेश्चन पूछा गया एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेजेस इन्वॉल्व इनपोर्ट सो लेट एस जस्ट टॉक इन डिटेल अबाउट रिपोर्ट सी क्लास, अ रिपोर्ट इज अ हाईली स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ राइटिंग दैन एसे। एसे की तरह रिपोर्ट नहीं होता है बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर किया जाता है एंड इट इज डिजाइन सो दैट इट बी क्विकली एंड एक्यूरेटली, दो द रिपोर्ट्स आर नॉट नेली रेड फ्रॉम बिगनिंग टू एंड

second collecting your information third organizing and structuring your informa information next writing the draft then checking and redrafting then draw up an outline structure for your report and set up the work within the sensible time so agar totally pushing you, so there are four ps on which report writing is involved position problem possibilities and proposals so this means you outline the current position

See, here is an example that your school organized as an exhibition come sale of the events prepared under uh, the work experience certificate by your school students. There was an overwhelming response from the public. So prepare a report in hundred to one hundred and twenty five words for the local daily. So, an exhibition comes sale by ABC coordinator Nita School Gurgaon, 3rd August Gurgaon. Our school organized an exhibition comes sale of the items prepared under work experience by our students on 31st of July in the school lawns. It was heartening to see the overwhelming response our endeavor got from not only the parents but also from the general public who showed a lot of interest in the items made by the students. A wide range of items such as candles, greeting cards, jewelry boxes. W wooden handicrafts had been prepared by the talented students. The students were really encouraged by the positive feedback they got from everyone present. Our principal, too, was personally present there all the time, interacting with everyone. He appreciated the students' hard work, the creativity, and announced the money collected from the sale of the items would be donated to an old age home in the vicinity of our. स्कूल स्कूल ही uh, की में एक बनाकर उन्होंने डोनेशन भी करी आवर प्रिंसिपल आल्सो डिसाइडेड दैट सच इनिशिएटिव्स वुड बी टेकन अप बाय आवर स्कूल मोर फ्रीक्वेंटली टू मोटिवेट दी क्रिएटिव स्टूडेंट्स एंड टू हेल्प अ नोबल कॉज ठीक है तो इस तरीके से आप एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर रिपोर्ट दे सकते हैं, बना सकते है, कि क्या एक एग्जीबिशन हुआ उसमें लोगों को इतना पसंद आया कि उन्होंने कुछ ना कुछ क्या करा डोनेशन करा हमारे वेस्टी में एक छोटा सा कैंप भी खोलने की कोशिश करी एट सेक्टर एक सेक्टर ये क्वेश्चन में आने ही हाने. Next क्वेश्चन ये कि जब आप नोट बनाते हैं नोट टेकिंग का मतलब होता है क्लास जब आप नोट बना रहे हैं when you are यू आर प्रिपेयरिंग तो जब आप नोट को बना रहे हैं तो उसमें रिडक्शन devices को यूज कर, कर नोट टेकिंग का क्या फायदा है सो सी क्लास रिडक्शन डिवाइजेज आर एन रिडक्शन डिवाइजेज का मतलब है अगर इतना बड़ा नोट है ना पैराग्राफ है तो उसको कम करना इसका मतलब यही है रिडक्शन डिवाइस मतलब अगर 10 पेज का है तो आप उसको अगर तीन पेज में लिया या चार पेज में लिया रिड्यूस कर दो उसको बोला जाता है नोट टेकिंग तो इसके लिए हमारे पास कुछ रिडक्शन डिवाइजेस है दे विल हेल्प यू सेव द Time when when you you are 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 noting down down something from from a a book. They are particularly useful when you are taking down the notes from a lecture. बुक दी आर पटिकुलरलीक्चर पढ़ रहे हैं साथ नोट बनाइए अदरवाइज इट विल भी डिफिकल्ट टू की स्पीकर एक स्पीकर के साथ पेस में चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा एक बार सुनिए दो बार सुनिए और कोशिश करिए कि आप साथ नोट साथ बनाइए unnecessary नॉट reduction एंड be

ब्लॉकेज ऑफ आर्टरीज तो एनिग्मा कैसे हो रहा है ब्लॉकेज ऑफ आर्टरीज तो इस तरीके से आप बना सकते हैं नोट्स देन अगर आप कुछ अंडरलाइनिंग करना चाहिए मान लीजिए अगर आपके फिगर्स हैं इंस्टेड ऑफ वर्ड्स तो 26 आप लिख सकते हैं इंस्टेड ऑफ 26 द सेम एज के लिए आप इक्वल टू लगा सकते हैं नॉट द सेम एज के लिए आप हैश लगा सकते हैं इज लेस देन के लिए ये वाला सिंबल मोर देन के लिए ये वाला सिंबल देयर फोर के लिए ये वाला सिंबल होता है बिकॉज के लिए आप ये वाला सिंबल दे सकते हैं एटसेट्रा एटसेट्रा ये कुछ आपको मेथड्स टेक्निक्स पूछता है बार बार ये आपको ध्यान में रखने हैं और आपको करना है नेक्स्ट आप कुछ एब्रीविएशन यूज कर सकते हैं सेकेंड के लिए आपने लिख दिया एस ई सी मिनट के लिए एम आई एन आवर के लिए एच आर ईयर के लिए वाई आर मंथ के लिए एम टी एच मीटर के लिए एम किलोग्राम के लिए के फिर कुछ एब्रीवियशंस लिख लीजिए एंड सो ऑन के लिए एटसेट्रा कंपेयर के लिए सी एफ दैट इज क्ले आई डॉट ई फॉर एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल अप्रोक्सिमेटली .e. के लिए सी ए ट्वेंटी सेंचुरी के लिए सी ट्वेंटी शॉर्टनिंग के लिए जो भी चीज आपने अगर रिएक्शन के लिए आर ई सी टी एन कंक्लूजन के लिए कंक्लूजन एटसेट्रा एटसेट्रा आप कुछ अपने से भी एग्जाम्पल्स इसमें डाल सकते हैं राइट right? तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ यू कैन इंक्लूड दी आप लोग तो सब लोग बहुत मैसेजेस लिखते हैं व्हाट्सएप के बिना आप लोगों का काम ही नहीं होता है तो आप लोग व्हाट्सएप टेलीग्राम में हैं आप लोग शॉर्ट फॉर्म्स में लिखते हैं तो वो सब इसमें इंक्लूड कर देना कि नोट्स में हम लोग ये सब ले सकते हैं यू कैन इंक्लूड द ऑफ योर ओन फ्रॉम योर डेली लाइफ एग्जाम्पल आप व्हाट्सएप ले लीजिए टेलीग्राम फेसबुक जो भी सोशल मीडिया में आप पोस्टिंग करते हैं ठीक है जैसे डेवलपिंग है उसके लिए डी ई वी एल जी लिख दिया इमोशनल के लिए डिफेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट के लिए मान लीजिए अगर आपके पास लॉन्ग चीजें उसको शॉर्ट करना है फॉर एक्साम्पल डिजीज को डी अब हर जगह डी लिखेंगे हार्ट डिजीज को एच ब्लड प्रेशर को पी डी कोलेस्ट्रॉल को सी एच सी एच डी लिख दीजिए जरूरी नहीं आपको यही याद करना है ये मैं आपको बता दूं आप अपनी मर्जी से भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं तो ये सब कुछ टेक्निक्स है क्लास इस टेक्निक को बोलते हैं रिडक्शन डिवाइसेस जो आप नोट्स बनाने में या इसको नोट्स बनाने का इंग्लिश का मतलब क्या हुआ नोट टेकिंग ठीक है उसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं अगर आपको एक छोटी सी बात बताया जाए तो वो ये हो सकता है दैट कर्नल नोट टेकिंग मेथड भी होता है कर्नल नोट टेकिंग मेथड बोलता है दैट यू कैन टेक हेल्प ऑफ फाइव आर्स फाइव आर का मतलब होता है पहले आप जो लेक्चर है उसको रिकॉर्ड करिए उसको रिड्यूस करिए उसको रिसाइड करिए उसको रिफ्लेक्ट करिए फिर उसको रिव्यू करिए क्या मतलब रिकॉर्ड राइट ऑल द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन यूजिंग द द द एंड शॉर्टनिंग डिवाइसेस रिड्यूस आफ्टर लेक्चर राइट अ समरी ऑफ आइडियाज और और फैक्ट्स यूजिंग कीवर्ड्स क्यूवर्ड्स आप मेरे ही इस लेक्चर के नोट्स बनाइएगा क्योंकि आपके सिलेबस में भी है तो आप बनाइएगा रिसाइट रिसाइट ऑल द इन्फॉर्मेशन इन योर ओन वर्ड्स विदाउट लुकिंग एट द नोट्स रिफ्लेक्ट थिंक अबाउट योर ओन ओपिनियंस एंड यू कैन रेज योर क्वेश्चन विच यू कैन रेज इन द दॉमेंट सेक्शन रिव्यू बिफोर द नेक्स्ट क्लास टेक टेन मिनट्स टू रिव्यू योर प्रीवियस क्लास नोट ठीक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए गुड पैराग्राफ एक गुड पैराग्राफ लिखने के क्या एलिमेंट होते हैं सी क्लास अब पैराग्राफ इज ए ग्रुप ऑफ सेंटेंसिस पैराग्राफ का मतलब है बहुत तरह के सेंटेंसेज है इसमें जो कि एक ही बात बोल रहे हैं they are revolving around a single idea in order for a paragraph to be effective aapko start karna hai topic sentence se maine aapko bataya hai jiske andar main idea hoga it should present a single idea so it should begin with the topic sentence fir usko strategically aapne organize aur flow karna hai fir aapne apne objective ke paas hi ghumna hai gol gol nahi ghumna hai aur apne reader को important information बतानी है तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो चार तरह के आपके there are four essential elements. एक होता है unity. एक होता है कोहिरेंस एक होता है टॉपिक सेंटेंस और एक होता है सफिशियंट डेवलपमेंट यूनिटी क्या होता है क्लास इन ऑर्डर फॉर ए पैराग्राफ टू मेंटेन अ सेंस ऑफ यूनिटी द पैराग्राफ मस्ट फोकस ऑन अ सिंगल सोल्ली आपका जो पैराग्राफ है वो एक ही आइडिया के ऊपर घूमना चाहिए यानी यूनिटी रहनी चाहिए आपका जो पैराग्राफ है उसमें अगर यूनिटी नहीं है अगर वो एक पॉइंट नहीं बता रहा है या आर्ग्यूमेंट नहीं बता रहा है तो प्रॉब्लम होगा देअ फोर द पैराग्राफ शुड नॉट बिगेन टू स्ट्रे और डेवलप न्यू आइडियाज कोई नए आइडियाज नहीं होने चाहिए सो इफ यू बिगेन टू राइट अ सेंटेंस अगर आप एक सेंटेंस बोल रहे हैं दैट वैंडर फ्रॉम द पैराग्राफ्स मेन आइडिया है आप एक ही बात बार बार बोल रहे हैं और अपने एग्जाम में लिख दिया और हम लोग ये चीज बिल्कुल इंकरेज नहीं करते हैं कि आप चीजों को काट कट करें तो आप एक नया पैराग्राफ बनाए ठीक है तो अगर आपको एक अच्छा पैराग्राफ लिखना है तो उसमें पहले आपको ध्यान रखना है देर शुड बी यूनिटी सेकेंड देर शुड बी कोहेरेंस कोहेरेंस का मतलब क्या है क्लास इट इज रेफर टू द फ्लो ऑफ योर राइटिंग आपकी राइटिंग कैसे जा रही है

पैराग्राफ लिखने के बाद आप उसको दोबारा से पढ़ेंगे ये देखने के लिए जो आइडियाज हैं वो क्लियरली बताए जा रहे हैं या नहीं आ रहे हैं सो दैट इज अ दैट दैट देयर यू हैव डेवलप्ड अ कोहेरेंट पैराग्राफ ठीक है तो एक सेंटेंस के अंदर पैराग्राफ और उसकी मेन बातें लिखना जरूरी है थर्ड टॉपिक सेंटेंस टॉपिक सेंटेंस का मतलब है एक ऐसा समरी आप दे रहे हैं अपने पैराग्राफ के बारे में सो द रीडर शुड इंकाउंटर द टॉपिक सेंटेंस एंड इट शुड हैव अ जनरल आइडिया ऑफ व्हाट योर पैराग्राफ विल कंटिन्यू टू Discuss, discuss, क्या बताना चाहता है? Next, sufficient development. Sufficient development का ये है का मतलब कि क्या आपने जो राइटर्स जो भी राइटर है उसके पास रिसोर्सेस पैराग्राफ दैट यू हैव हैज टॉपिक इट इज एसेंशियल दैट दिस टॉपिक शुड बी सफिशियंटली डेवलप्ड वो अच्छे से डेवलप होना चाहिए डू नॉट लिमिट यूट ऑफ सेंटें कुछ ही सेंटेंट मत करिएस यूर पैराग्राफ नॉट बी टू शॉर्ट और टू लॉन्ग ज्यादा भी नहीं और ज्यादा भी नहीं होना चाहिए राइट तो sufficiently हो जाना चाहिए, right? so, ये चार पॉइंट का आपने ध्यान रखना है क्लास कब जब आपको सॉरी uh, जब आपको एक अच्छा पैराग्राफ लिखना है नेक्स्ट क्वेश्चन राइट अ शॉर्ट नोट ऑन

Argumentative essay is a piece of writing that attempts to convince the readers that the author's ideas is true. आप जो बोल रहे हैं वो ठीक है उसकी आप कोशिश करते हैं This is a genre of writing that is used to defend or prove a point. जहाँ पर आप एक point को prove करना चाह रहे हैं A writer should

आर्ग्यूमेंटेटिव में आप ये बोल सकते हैं दैट इट इज नॉट न्यू दिस इज द ओल्ड आइडिया जिसको आप डिस्प्रूव कर रहे हैं यानी कि आप यहां पर क्या कर रहे हैं इन्वेंशन कर रहे हैं ठीक है सॉरी जब ओल्ड आइडिया होगा तो इसको मैं डिस्कवरी बोलूंगी ना डिस्कवरी का मतलब क्या होता है किसी ने पहले ही इन्वेंट कर लिया है उसके ऊपर आप कुछ बात बोलना चाह रहे हैं तो उसको डिस्कवरी बोलेंगे और न्यू आइडिया को क्या बोलूंगी क्लास इन्वेंशन बोलूंगी ठीक है ठीक है

थर्ड स्टेज में होते हैं आपके क्वेश्चन एम्प्लॉयर आपसे भी पूछता है अगर आपके कुछ सवाल है उनमें तो आप पूछिए सो दिस इज योर चांस टू डेमोस्ट्रेट योर नॉलेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बाई आस्कटफुल क्वेश्चन तब आपको अच्छे सवाल पूछने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और अपनी नॉलेज को दिखाने के लिए ऑलवेज कम प्रिपेयर्ड पढ़ कर आइएगा ब्रिंग एटलीस्ट थ्री क्वेश्चन विच बट ऑल्सो फील फ्री टू मॉडिफाई देम बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन दैट यू लर्न ड्यूरिंग एन इंटरव्यू ठीक है आप हमेशा कॉन्फिडेंट होकर आइए क्वेश्चन बनाकर आइएगा और चेंज भी कर लीजिएगा ड्यूरिंग एन इंटरव्यू बी श्योर टू मेक नोट्स एज एन इंटरव्यू आंसर योर क्वेश्चन जैसे ही आपके आंसर दे रहा है तो आप नोट्स बना लीजिए लिख लीजिए बाद में आप उसको रेफर करेंगे एंड द स्टेज नंबर फोर इज ड्यूरिंग योर लास्ट फ्यू मिनट्स टेक द टाइम टू एंड ऑन अ पॉजिटिव नोट रिटरेट योर इंटरेस्ट ऑन द पोजिशन एंड गैदर योर बिजनेस कार्ड फ्रॉम एवरी वन हेल्स एंड बी श्योर टू थैंक देम फॉर द इन्विटेशन टू द इंटरव्यू एंड अगेन अमशेक दो चीजें इंटरव्यू में बहुत जरूरी होती है क्लास एक होता है करना, और दूसरा चीज होता है वेल ड्रेस्ड और तीसरा चीज होता है गुड आई कॉन्टैक्ट ये होना बहुत जरूरी है ठीक है तो इन सारी बातों को इंक्लूड कर आप देख सकते हैं कि आपके कितने स्टेजेस होते हैं इंटरव्यू के फोर स्टेजेस आर इन्वॉल्व ठीक है इसको सिर्फ पढ़ाई की तरह मत पढ़िएगा। फर्दर आपने कुछ काम भी करना है तो आप ध्यान रखिएगा और आप इसको एज एन इंटरव्यू भी दे सकते हैं ठीक है इंटरव्यू के लिए इसको यूज भी कर सकते हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर को भी एंड द लास्ट सेक्शन दैट इज सेक्शन थ्री लॉन्ग क्वेश्चन आंसर इसमें आपको कोई दो क्वेश्चन करने होते हैं आपको तीन क्वेश्चन दे रखे वन क्वेश्चन थ्री इनमें से कोई दो सवाल करने हैं पहला आपको बोलता है आप एक कॉम्पोजिशन लिखे बहुत सारा लिस्ट थी उसमें से आप कोई भी एक पर्टिकुलर यू नो सिलेक्ट कर सकते हैं इसके लिए क्लास आप प्रीवियस मेरा लेक्चर दिखेगा मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी मैंने बहुत यानी बहुत एग्जाम्पल आपको कॉम्पोजिशन के करवाए हैं जिसने देख लिया है वो लेक्चर वो फिर देखेगा फिर से इसके कॉन्टीन्यूशन में दोबारा दिखेगा क्योंकि कॉम्पोजिशन जो पहले करवाया है वो वो पूरा पूरा का पूरा, वो तो आना ही आना है पेपर में उसके अलावा अगर आपको कुछ ये कॉम्पोनेंट्स भी मैंने बताए हैं तो ये भी पेपर में आएंगे ठीक है तो इसके लिए यू कैन रेफर टू द प्रीवियस लेक्चर वीडियो एट यूट्यूब डॉट कॉम डब्ल्यू एस वी आर एस यू आर सी क्यू के मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रही हूँ फिर एक क्वेश्चन पूछा है राइट अबाउट द टेक्निक्स ऑफ नोट मेकिंग हम ऑलरेडी आपको डिस्कस ऊपर मैं कर हूँ तो इसको फिर से अगर आप चूज करेंगे तो इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा क्वेश्चन क्वेश्चन को कर देंगे क्योंकि आपको दो करने हैं एंड दे आर ऑफ मार्क्स समझ रहे हो बात को एंड देन यू हैड अ चांस टू इंटरव्यू योर प्रेजिनेट आपने अपने प्रेजिडेंट को इंटरव्यू किया है राइट अ रिपोर्ट ऑफ एन इंटरव्यू तो अब आपको यहाँ पर क्या क्या लिखना है हमने बहुत तरह की रिपोर्ट देखी रिपोर्ट ऑफ एन इवेंट रिपोर्ट ऑफ तो you तो know, तो आप यहाँ पर आपको आपको करना करना है। तो अगर आपको interview को report करना है, अगर को तो उसके लिए भी आप मेरा लेक्चर देखेंगे जिसमें मैंने बहुत एग्जाम्पल रिपोर्ट के करवाए हैं तीन चीजें उसमें आपको ध्यान रखनी है इंट्रोडक्शन बॉडी और कंक्लूजन तो इसको इंक्लूड कर आप प्रीवियस लेक्चर जो है उसको देख लेंगे और फिर से यही सेम वाला है। दिस

तीन सेक्शन में आपके पेपर आ रहे हैं फर्स्ट सेक्शन में आपके शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं सेकेंड सेक्शन में आपसे पूछा जा रहा है उसको थोड़ा इलाबोरेट करके थर्ड सेक्शन में और इलाबोरेट करना है कॉम्पोजिशन लिखना है लेटर लिखना है पैराग्राफ को लिखना है तो जब आपको ये सब लिखना है तो आप देख सकते हैं कि आपने उसके लिए प्रीवियस वाला लेक्चर रेफर करना पड़ेगा ठीक है सो दिस विद दिस अगेन आई एम रिपीटिंग वन थिंग वो क्या है कि आपका जो पूरा एफी है ना क्लास वो डिपेंड करता है आप पैराग्राफ को कैसे लिख रहे हैं आप कॉम्पोजिशन को कैसे लिख रहे हैं आप नोट कैसे लिख रहे हैं जब आप रिपोर्ट्स लिख रहे हैं तो क्या आपको किस बारे में रिपोर्ट लिखनी है इवेंट की रिपोर्ट लिखनी है मीटिंग की रिपोर्ट लिखनी है स्पीच की रिपोर्ट लिखनी है इंटरव्यू की रिपोर्ट लिखनी है जैसे अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन आया हुआ पेपर में कि आप प्रेजिडेंट का इंटरव्यू ले रहे हैं उसके ऊपर रिपोर्ट लिखिए उसके ऊपर लिखना है कोई सर्वे का रिपोर्ट लिखना है या कोई एक्सपेरिमेंट का रिपोर्ट लिखना है ये सारे रिपोर्ट्स में आपको पिछले वाले लेक्चर में करवा चुकी हूँ उसको आप गो थ्रू करेंगे और आप लिखेंगे ठीक है विद दिस आई आई कैन से दैट हैव कंप्लीटेड द इंटायर थिंग और आपके क्वेश्चन भी अच्छे से करवा दिए आप प्लीज इसको गो थ्रू करिए इफ यू हैव रियली लाइक्ड आवर लेक्चर सो प्लीज डू लाइक शेयर कॉमेंट प्लीज शेयर इट एज मच एज यू कैन ओके एंड फॉर द प्रीवियस लेक्चर द लिंक इज गिवेन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स तो आप देख सकते हैं सो दैट इज ऑल फॉर टूडे क्लास थैंक यू थैंक यू फॉर टुडे एंड ऑल द बेस्ट और अगर आपके कोई भी डाउट्स होंगे देन यू कैन कॉमेंट ऑल्सो एंड वी विल बी टेलिंग यू सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम थैंक यू